जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, गदर 2 का जो वीडियो है ये है वो, मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा। सबसे पहले मुझे याद है आज है 14 तारीख और 7 सितंबर को आई थिंक जवान रिलीज़ हुई थी। उसके एक या डेढ़ नहीं दो दिन पहले उसके आई थिंक 5 या 6 सितंबर को मैंने उनको एक मैसेज किया था, जी स्टूडियोज़ वालों को मेल। एक्चुअली ट्विटर पे वो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ऐसा मैंने सुना है, पर मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज देखा था या मतलब किया था, मुझे ऐसा लगा था, और उनको टैग वैग भी किया था। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि उन्होंने वो मैसेजेस पढ़े तो होंगे, पर बाद में जिस तरीके से बहुत से लोगों ने उनको कंटिन्यू मैसेज किए, तो उसके बाद मैंने टैग करके उनको ये भी लिखा था, वी नो दैट, मैं बता देता हूँ आपको, वी नो दैट, हाँ हाँ वो जो बताया, मैं बता देता हूँ कि क्या था उसमें, उन्होंने क्या लिखा था मैं बता देता हूँ, मतलब जस्ट अ मिनट, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया था, उन्होंने एक लाइक किया था। एक मैंने जब ये बोला था कि दिस मूवी डिजर्व्स ऑफर, ओके, लाइक जैसे उन्होंने 2 पे 2 वाला ऑफर रखा था उस टाइप का, और उन्होंने सिर्फ लाइक किया था, उन्होंने बाकी कोई रिप्लाई वगैरह तो दिया नहीं था। तो उसके बाद मैंने उनको, आप लोग बोल रहे थे कि भाई कुछ तो करो, तो मैंने 8 या मतलब जवान रिलीज़ होने के बाद ऐसा लगा था कि ये लोग पूरे के पूरे, इन लोगों ने हथियार डाल ही दिए हैं और ये लोग कोई पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहते। तब मैंने 10 तारीख को इनको 3 से 4 मैसेजेस भेजे थे, और जिसमें मैंने ये भी लिखा था कि द वे यू बिहेव विद द ऑडियंस इट इज़ टोटली अनफेयर, मतलब इस टाइप का कि आप जिन लोगों ने आपको इतना सपोर्ट किया, आपकी फ़िल्म थी, अनिल शर्मा सनी देओल ने जैसा कि डिक्लेयर किया था कि ये फिल्म के लिए सनी को भी कुछ ज़्यादा पैसा नहीं मिला है जितना वो डिज़र्व करता है, तो उस टाइप का मैंने वहाँ पे लिखा था कि एक ही मकसद है कि ये मूवी हाईएस्ट ग्रॉसर बननी चाहिए। और मैंने ये भी लिखा था कि ये भी हो सकते हैं कि आगे चल के जी स्टूडियोज़ की आने वाली मूवीज़ पर इसका असर हो और शायद लोग आपको बॉयकॉट करेंगे। और आप ये भूलो मत कि जब बॉलीवुड का बॉयकॉट बना था पूरा एक साल, तो बॉलीवुड का क्या हाल हुआ था 2022 में। सिर्फ द कश्मीर फाइल्स एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि वह तगड़ी चली थी, क्योंकि वो बॉलीवुड वाले तो उसको अपनी फिल्म मानते भी नहीं है, तो भाई ऐसी ही फिल्में चली थी, तो आप ज़रूर सोचिए। और मैंने ऐसे 7 से 8 मैसेजेस उनको लास्ट के 4 दिनों में भेजे, 3 दिनों में, यह मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। उसमें से उनके टीम की तरफ से तो कोई रिप्लाई नहीं आया था, सीन दिखे थे मुझे मैसेज कि उन्होंने सीन तो किया है, पर बाकी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और ऐसा भी है क्योंकि मैंने जितने भी, क्योंकि मैंने उस आईडी से भेजे थे, आप इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी फॉलो कर लेना, इसी नाम से मैंने वो आईडी बनाई है, तो उस में भी उन्होंने चैनल देखा भी होगा, हो सकता है चैनल वगैरह देखा होगा मेरा, और मे भी उनको समझ में आया होगा कि इट्स नॉट लाइक कि भाई कोई नॉर्मल बंदे ने नहीं किया ये। यूट्यूब पे जिस तरीके से गदर 2 का सपोर्ट शायद उनको दिखा होगा, तो शायद उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा, मतलब उस पर रिएक्ट किया होगा। और मैंने बाकी ऑडियंस को भी बार बार बोला था, आप लोगों ने भी मुझे कमेंट में बोला कि भाई हमने भी बहुत से मैसेजेस वगैरह किए, आई डोंट थिंक, ऑनेस्टली कह रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे, आई डोंट थिंक कि किसी ने भी गदर 2 को इस टेप का सपोर्ट किया होगा, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ मैं। और इतना जी स्टूडियोज़ के पीछे जो हमारा चैनल लगा है और आप लोग लगे ना, देखो भाई सपोर्ट शायद गदर 2 को कुछ लोगों ने किया भी होगा, पर जी स्टूडियोज़ के पीछे लगना, और वो 1 पे 1 ऑफ़र सुना है कि अगले वीक में ला रहे हैं, इनफैक्ट अगले वीक में नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि मंडे से 1 पे 1 भी ऑफ़र आ सकता है, पर अब वो 1 पे 1 ऑफ़र के पीछे मत जाओ, 150 रुपीज़ तगड़े, जहाँ पे 300-300 टिकट रहता है वहाँ पे भी 150 हुआ है, हालाँकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कम नहीं किया है, पर अब वो बहाने मत करो यार कि और कम चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था, फिर तो भाई कुछ दिन रुक जाओ, OTT पे फ्री में देखने को मिलेगी, ऐसे नहीं रहता है भाई, अब करो सपोर्ट। अब उन्होंने किया है, आपकी बातें मानी है, ये तो ओपनली दिखा है, अब आप सपोर्ट करो। और देखो आज जो शॉर्ट्स डाले हैं, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो इनको, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है गदर 2 को सपोर्ट प्रैक्टिकली देखा जाए तो। मैं करता रहूँगा लास्ट डे तक, इसका जो भी अपडेट आएगा मैं देते रहूँगा। जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना, उतना ज़्यादा ये मूवी कहीं ना कहीं रहेगी। आप बाकी चीज़ें नहीं समझ रहे हो, बात ये नहीं कि रिकॉर्ड टूट गया बाय चांस तो हो गया काम, जितना दिन ये थिएटर में रहेगी कुछ ना कुछ कलेक्शन आएगा, वो आपके लिए भी तो अच्छा है।
तो देखते हैं कि क्या होता है। पर ये वीडियो को शेयर करो, और स्पेशली जो शॉर्ट्स मैंने डाले हैं ना भाई, उनको व्यूज़ फैला दो, क्योंकि अगर व्यूज़ आते हैं ना तो वो ट्रेंड होगा, और गदर टू के शॉर्ट्स भी ट्रेंड होते रहेंगे। वो जो भीड़ में कल से, कल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कल अब थिएटर्स में जाके मैं भीड़ लूँगा गदर टू की। ऑब्वियसली भीड़ आने वाली है, कुछ शोज़ भी बड़े हैं सुना है नासिक में भी। तो भाई प्लीज़ ये भी वीडियो शेयर करो, गदर टू के हर एक वीडियो शेयर किया कीजिए ताकि ट्रेंड रहे, और शॉर्ट्स तो भाई मिस मत करो। शॉर्ट्स में कभी कभी बाय सुपर थैंक्स भी कर दिया करो यार। नहीं नहीं वो नहीं, वो आप पर है, आपकी चॉइस है। टेक केयर गाइज़।